सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अभी अभी व्हाट्सएप की तरफ से एक न्यू फ्यूचर अपडेट किया गया है। पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन था यहाँ पे स्टेटस का, मगर अब आ चुका है अपडेट का। यानी कि दोस्तों, अभी तक यूट्यूब पे चैनल बनता था, फेसबुक पे, ट्विटर पे, उसी तरीका से टेलीग्राम पे यहाँ पे बनता था चैनल, मगर अब फाइनली व्हाट्सएप के तरफ से अपडेट कर दिया गया। अब आप अपने व्हाट्सएप पे भी आप चैनल बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा अपडेट आ चुका है और आप चाहते हैं इसको फाइनली चैनल को डिलीट करना, इसको हटाना, तो आप लोग किस तरीका से हटा सकते हैं? और आप चाहते हैं मेरा पहले की तरह यहाँ पे स्टेटस था, पहले की तरह जिस तरीका से था वो तरीका मैं लाना चाहता हूँ, तो उसको मैं कैसे करूँ ताकि मेरा पहले की जैसा मेरा व्हाट्सअप हो जाए? तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोग को व्हाट्सअप चैनल को डिलीट करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजबल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले भाई की इस वीडियो को लाइक कर दो, उसके साथ साथ यहाँ पे वीडियो के नीचे एक लाल बटन होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू में एक बेल आइकन है इस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, पहले जैसे अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और वहाँ पे पहले था आपका स्टेटस और इस तरीका से आपको स्टेटस दिखा दे रहा था, मगर अभी अभी व्हाट्सएप की तरफ से एक नया फ्यूचर लॉन्च किया है जिसमें आपको स्टेटस की जगह पे अपडेट कर दिया गया और इसमें आप चैनल भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसको डिलीट करने के लिए सिंपली अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद थ्री लाइन पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे चैट का एक ऑप्शन है, ये चैट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। चलेगा, यहाँ पे चैट पे क्लिक कर दिया हूँ। चैट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है चैट बैकअप, इस पर आपको क्लिक करके और यहाँ पे सबसे पहले अपने व्हाट्सएप का जो भी चैट वगैरह है आपको यहाँ पे बैकअप कर लेना है। बैकअप करने के बाद सिंपली आपको अपने प्ले स्टोर के अंदर में आना है, और प्ले स्टोर के अंदर में आने के बाद यहाँ पे आपको व्हाट्सएप सर्च करना है। व्हाट्सएप सर्च करने के बाद सिंपली ये रहा मेरा व्हाट्सएप। तो दोस्तों, यहाँ पे ये व्हाट्सएप को सिंपली आपको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको अनइंस्टॉल कर दिया हूँ। इस तरीका से प्ले स्टोर के अंदर में आने के बाद इसको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद दोस्तों, अगर आप प्ले स्टोर से अगर व्हाट्सएप को डाउनलोड करके यूज करते हैं तो आपका जो भी न्यू फ्यूचर आया है चैनल वाला, वो आपको चैनल रहेगा, क्योंकि उसको मैं कभी उसको हटा नहीं सकते हैं। हटाने के लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल के कोई भी ब्राउज़र में आना है और यहाँ पे आपको लिखना है व्हाट्सएप ओल्ड वर्जन, लिखकर आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पे ये है, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, मैं क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देख सकते हैं इसके अंदर में 13 सितंबर है, उसी तरीका से 10 सितंबर है, उसी तरीका से गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 8 सितंबर, 7, 14 सितंबर, 12 सितंबर, 8 सितंबर। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी यहाँ पे व्हाट्सएप की तरफ से ये नया फ्यूचर लॉन्च किया गया है, अपडेट किया है। तो सिंपली आपको स्क्रॉल पूरा डाउन करना है और ये आपको क्या करना है, अगस्त वाले पे कर लेना है। अगस्त वाले यहाँ पे वर्जन को डाउनलोड करना है। चलिए दोस्तों, मैं 20 वाले यहाँ पे देख सकते हैं, 20 अगस्त वाले पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका व्हाट्सएप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और डाउनलोड देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे व्हाट्सएप डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। इस तरीका से सबसे पहले आपको व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जिस तरीका से आपको अपना नंबर डाल के OTP गिराकर फाइनली व्हाट्सएप अकाउंट ओपन करते हैं, उस तरीका से आपको ओपन कर लेना है, और जैसे आपका पहले था उसी तरीका से आपका आ जाएगा, और जो नया फ्यूचर लॉन्च हुआ है वो आपको बिल्कुल ही हट जाएगा। 100% मैं गारंटी हूँ, 100% यहाँ पे वर्किंग वीडियो है। आप लोग इस तरीका से व्हाट्सएप चैनल को हटा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आने वाले कोई भी नया नॉलेजबल वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं और इसी तरीका का फिर से एक नया नॉलेज पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू।